दोस्तों, यदि अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हैं तो बेहतरीन ऑफर आया है होम लोन के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.15% पर होम लोन दिया जा रहा है, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है लगभग सभी बैंकों से। तो कुछ इसके फीचर्स हम जान लेते हैं कि यहाँ से लोन लेने पर आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा लोन्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा होम लोन का, तो होम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 9.15% यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट। इसके बाद यहाँ पर करेंगे नो मोर पर। नो मोर पर करेंगे तो एक और पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद चलिए मैं आप सभी को बेनिफिट्स बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो लो इंटरेस्ट रेट है और लो प्रोसेसिंग चार्ज है, हायर लोन अमाउंट है यानी ज़्यादा लोन अमाउंट यहाँ से आप सभी को मिल सकता है, फ्री क्रेडिट कार्ड है और लॉन्गर टेन्योर है यानी ज़्यादा समय के लिए आप लोन ले भी सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका फीचर्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लो इंटरेस्ट रेट मैंने पहले ही बता दिया, लो प्रोसेसिंग फ़ी है, नो हिडन चार्जेस है, नो प्री पेमेंट पेनल्टी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फीचर्स वगैरह भी आपको दिख जाएगा, वीडियो को रोक करके आप देख भी सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी भी है, तो एलिजिबिलिटी भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन ले सकता है इस लोन को। तो रेसिडेंट टाइप आप अगर इंडियन हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो अमाउंट अगर आप देखते हैं तो मुंबई में अगर आप हैं तो 20 करोड़ तक यहाँ से लोन ले सकते हैं। हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु के लिए यहाँ पर 7.5 करोड़ है। फिर अदर यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ के लिए 5 करोड़, अर्बन एरिया के लिए 3 करोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना अमाउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9.15% से लेकर के 10.50% तक यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैलरीड के लिए है और नीचे वाला है नॉन सैलरीड के लिए है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट के लिए देख सकते हैं एक अलग से पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप सभी को दिखा देता हूँ। इस तरह से आप डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सभी को लगेगा। दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा और इसके बगल में यहाँ पर कैलकुलेटर्स का भी ऑप्शन दिखेगा। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट करके ज़रूर देख लीजिए कि जितने लाख रुपए तक आप लोन ले रहे हैं और जितने साल के लिए ले रहे हैं तो कितना EMI आपका लगेगा। इसके बाद हम अगर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आकर के आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर स्टेप है, 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा और लोन का अमाउंट जितना भी आपको दिया जाएगा आपको शो हो जाएगा, और अगर नहीं भी दिया जाएगा तो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।